दोस्तों, दिल्ली में भी पहले दो पार्टियां थी, दोनों पार्टियों ने गदर मचा रखा था, दोनों पार्टियों में सेटिंग थी, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जनता दुखी थी, जनता त्रस्त थी, जनता के पास विकल्प नहीं था। एक बार इससे नाराज होते थे तो उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे तो इनको वोट दे देते थे। फिर ऊपर वाले ने एक चमत्कार किया और एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, ईमानदार पार्टी, कट्टर देशभक्तों की पार्टी। और एक बार दिल्ली की जनता ने मिलकर यह तय कर लिया कि इन दोनों पार्टियों को हराओ और आम आदमी पार्टी को वोट दो। और दिल्ली की जनता ने 70 सीट है दिल्ली में, 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी, 3 सीट बीजेपी को दी और 0 सीट कांग्रेस को दी। जबरदस्त बहुमत देके जिताया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि एक बार नहीं 3 बार लोगों ने हमें भारी बहुमत देके जिताया दिल्ली में, 3 बार। उसके बाद पंजाब में जिताया, फिर गुजरात गए, वहां 5 MLA बन गए, गोवा में 2 MLA बन गए, पूरे देश में आज हमारे काम की चर्चा है। आम आदमी पार्टी की सोच पूरे देश में घर घर में फैल रही है। तो आज मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। दिल्ली में हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। मुफ्त बिजली चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। पंजाब में हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, यहां भी हो सकती है, चाबी आपके हाथ में है। दिल्ली में पहले बिजली आती नहीं थी, लंबे लंबे पावर कट लगते थे। दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है। जनरेटर की दुकानें बंद हो गई, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, 24 घंटे बिजली चाहिए। यहां पे आती है 24 घंटे बिजली चाहिए? 24 घंटे हम ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। पहले पंजाब में भी लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आने लग गई पंजाब में। दिल्ली में जैसे छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है कि नहीं है? अगर छत्तीसगढ़ में आपके पास 2 पैसे हो तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हो। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। पहले दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। हमने सरकारी स्कूल इतने शानदार बना दिए, अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं।